कैसे हो सर? तो बढ़िया यादव जी। सर आज क्या बाजार खुला है सर? आज बाजार क्या है यादव जी? आज क्या बाजार में गिराती नहीं है, अच्छा ये मंडियां बंद है। आगे की लास्ट तारीख होने की वजह से भी गिराती नहीं है, और अच्छा जी, थोड़ा साल भर की तरफ नया प्याज निकला है तो लोगों में घबराहट भी है मंदी की। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। तो सर जैसे आज अगर आवक की बात करें आवक आज मंडी में फुल है, कितनी समझे सर? देखो सब मिला के 70-80 साधन है छोटे बड़े सब। अच्छा जी, तो आवक बहुत ज्यादा हो गई है सर। हाँ, और लाल प्याज की जो राजस्थान का लोकल है वो राजस्थान बहुत का ज्यादा लाल है सर। प्याज काफी है। हाँ, बिल्कुल। और सर ये नासिक की कितनी गाड़ियां हैं सर आज? नासिक की भी है 10-12 गाड़ी है। तो सर जैसे अचानक से भाव में कुछ मेरे को सुनने में आया, डाउन देखने को ज्यादा मिला है। डाउन नहीं है, बता, हर जगह 4-5 रुपए की मंदी है घबराहट की वजह से। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो सर ये जो घबराहट, आमदनी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कहीं पर, लेकिन वही है कि भाई 5 रुपए की मंदी है, और थोड़ी मंदी दे के किसान क्या फिर जल्दी भागता है बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये घबराहट अभी जैसे घबराहट बनी हुई है तो कारण क्या है सर? यही है कि एक तो यही छुट्टी का कारण बन गया, एक तो अच्छा जी, जैसे महीने की लास्ट तारीख है मंडियां बंद है आगे, और किसान माल लेके आगे मंडियों में गाकी है नहीं, और बिल्कुल इधर अलवर की तरफ थोड़ा नया प्याज निकला है बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से वहां भी थोड़ा भाव कम खुला है। अच्छा जी सर। हाँ, उस और वजह से। एक सर वो जो अपना गवर्नमेंट का 40% हटाना और हाँ, 60% वो का भी एक एमएपी लेटर लगाना, घूमा है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी घबराहट है लोगों को, क्या बिल्कुल कुछ समझ पा रहे हैं कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, भाई बिल्कुल क्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है लोगों क्लियर में, नहीं हो थोड़ा पाया सा इस इसीलिए वजह से लोगों के दिमाग में, सोच लेकिन रहे हैं कि हो सकता है पीछे की डाउन आ जाए। मंडियां को इतनी ज्यादा कम भाव नहीं खुला है, बिल्कुल चार बिल्कुल पांच रुपए का पीछे भी कम खुला है बाजार। बिल्कुल सर। तो इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर? देखो सर, 1-2 दिन बाद समझ में आई है स्थिति अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अभी जैसे तो क्या महीने की लास्ट तारीख है, यूं करके बिक्री नहीं है, 2 दिन के बाद ही पता लगेगा, अभी 1-2 तारीख के बाद ही कहानी समझ आएगी। अच्छा जी सर। तो सर जैसे नया प्याज की शुरुआत करते हैं तो नया प्याज क्या बिका है सर ऊपर? नया प्याज वैसा बिक रहा है आज, समझो जो बाहर का है सूखा प्याज वो तो 50-55 बिक रहा है, अच्छा जी, और बाकी जो माल है इधर के अपने लोकल जितने भी प्याज आए हैं वो 30 रुपए से चालू होके और 50 रुपए तक बिक रहे हैं, 40-45 तक ज्यादा है, ठीक है 30 जी से सर। 45 तक कच्चा प्याज है जो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर पुराने वाले में नासिक की बात पुराने करें वाला तो? भाव जी वही है, नासिक वाला 50 रुपए बोल रहा है लेकिन ग्राहक आज पकड़ नहीं कर रहा। अच्छा जी सर। हाँ, और सर ये जो लाल वगैरह लाल ये प्याज है 40-45 रुपए किलो बिक रहे हैं। मैक्सिमम 45 रुपए तक? हाँ, बहुत बढ़िया, कोई 48-50 तक बिक रहे अच्छा जी। तो हैं। हाँ, सर वैसे डाउन है ना, 2-4 रुपए तो डाउन उसी है। वजह से ग्राहकी नहीं है, इसी वजह से डाउन भी मिल रहा है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, 4-5 रुपए किलो कम मिल रहा है, ग्राहक नहीं है बाजार में, इस वजह से सेल सर पावर कम है, इस वजह से कम मिल रहा है। अलवर में भी सर जैसे कुछ एक आध लोट कोई 1800 1900 2000 रुपए के आसपास, बाकी डाउन वहां पे भी देखने को मिल रहा है। 40 से 45 रुपए प्याज बिकी है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर क्या उम्मीद कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जाएगा नीचे या वही फिर? 2-3 दिन के बाद समझ में आएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे अभी अफगानिस्तान का या तुर्की का माल कह सकते हैं सर, बड़ी साइज है पूरी, इतनी बड़ी है, ये आधा आधा 1 किलो के प्याज है सर। वो देखो सर, तेजी में बिक जाते हैं, अगर थोड़ी मंदी हुई तो उसकी बिक्री भी रुक जाएगी, रेट भी सर 40 से 50 रुपए के बीच में बोल तभी रहे तो हैं। कह रहा हूँ वो तेजी में बिक रहा है, लेकिन अगर अपना भारतीय प्याज में रेट कम हो गया मान लो कुछ थोड़े बहुत, तो वो और कम हो जाएगा भाव, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसकी पकड़ सर कैसी है? मेरे उसकी पकड़ कम रहती है। हाँ, हिसाब से होटल ढाबों में चल सकती होटल है वैसे ढाबों में तो कोई। चलता है, वैसे खाने काम में नहीं लेता कि प्याज, बिल्कुल उसको बिल्कुल सर अपने इंडिया का प्याज है जो ही खाने काम में आता है। बिल्कुल सर। तो सर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे सर? किसान भाई यही कहेंगे भाई, थोड़ा मंडी में प्रेशर आया हुआ है तो थोड़ा दो 1-2 दिन चार आराम दिन से प्याज ले आए, इतना बिल्कुल बाजार कम नहीं होगा जितनी घबराहट हो गई है। बाकी माल आज महीने की लास्ट तारीख है, जैसे काफी बैलेंस है माल मंडियों में, हो सके तो 1-2 दिन अपना आराम से रुक के ले आए प्याज। बिल्कुल सर। और सर जैसे कोटा झालावाड़ का भी प्याज आ रहा है नया वाला, तो हाँ छोटी साइज लेके आ रहे हैं किसान, हाँ मतलब वो घबराहट किसान में। तेजी की वजह से जल्दबाजी कर रहा है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो तो बाद में दिक्कत आएगी, बाद में माल कम पड़ेगा, बिल्कुल सर इतनी ज्यादा नहीं है प्याज, वो भी बिल्कुल होटल सर। लाइन पे भी ज्यादा नहीं है, 30-40% प्याज है, यानी किसान को अच्छी तरह से पका के लेके आना चाहिए सर, पका के वजन वही बढ़ेगा वजन वो तो बढ़ेगा सर। उसका। बिल्कुल हाँ, भाव कम नहीं होगा, 15 दिन में पूरा साउथ खाली हो जाएगा, बिल्कुल सही कह उल्टा रहे हो उनको सर। पुराना प्याज ही मांगना पड़ेगा वापस, बिल्कुल बिल्कुल उधर 15 दिन में जो नई की फसल थी जो चल रही है 15 दिन में खत्म हो जाएगी वो प्याज। बिल्कुल। अभी थोड़ी सी नरमी की हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा घबराहट हो गया हाँ, है। बस बस अभी यही है। जैसे गवर्नमेंट ने भी आज अगर की बात करें तो जयपुर से 2 पिकअप यानी 6 टन के आसपास माल निकला है जयपुर में 25 रुपए के हिसाब से देने के लिए। हाँ, वो उससे थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ना बिल्कुल सर बिल्कुल बाजार में।
तो थोड़ा बहुत तो देखो गवर्नमेंट भी चाहेगी अपनी हवा बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे घबराने वाली आवश्यकता तो नहीं है ना सर, इतना कोई लग तो नहीं रहा है सर। चलो जी सर, तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं सर। कॉन्टेक्ट नंबर है 98-293-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352, गुलशन ओनियन कंपनी है, 12 मोहन मंडी जयपुर। चलो जी सर, धन्यवाद सर आप। धन्यवाद सर।